हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वर्सेटाइल वी। आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना और जाना मत कहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी क्वेश्चन आंसर, उससे पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैंने बात की थी वॉइस ओवर क्या है, तो अब डिफरेंस क्या है, डबिंग क्या है, ये दोनों बातें बताऊंगा आज के वीडियो में। तो तैयार है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉइस ओवर का मैंने बताया कि पीछे से जो वॉइस हम माइक में बोलते हैं और सामने घटना दिखती है, डबिंग में भी तो यही होता है। फिर आप कहेंगे इसमें क्या फर्क क्या है। फर्क बस इतना है कि जब घटना चलती है तो कैसे भी वॉइस आ रही होती है, कोई कैरेक्टर नहीं बोल रहा होता, तो वो वॉइस ओवर कहलाता है। डबिंग में जैसे कि आप हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, वो बनती तो इंग्लिश में है लेकिन उसे हिंदी में कैसे बनाया जाता है, तो वो जो भी आर्टिस्ट होता है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, उनमें एक दूसरा व्यक्ति आवाज देता है जो हिंदी जानता है। अगर इंग्लिश फिल्म है तो हिंदी में डबिंग होगी, तो हिंदी आर्टिस्ट को लेंगे, हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट या हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को। मैंने बहुत ही कम डबिंग की है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, मैंने हिंदी वॉइस ओवर नरेशन टाइप के ही वॉइस बोले हैं। तो डबिंग ऐसे होती है, जैसे कर्नाटका की जो फिल्में, बेंगलुरु, जो साउथ की जो फिल्में होती हैं, उन्हें भी तो हिंदी में डब करते हैं। हमारे बड़े बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो टैलेंट तड़का पे हमारे योगेश भाई आपको मिलवाते रहते हैं, तो वो होती है डबिंग। और उसमें भी क्या होता है, किसी कैरेक्टर वाइज आवाज सूट होती है, तभी उस कैरेक्टर को, उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को वो कैरेक्टर मिलता है जिसकी वो आवाज देता है। ठीक है, ज्यादा हो गया पजल। और एक कार्टून कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे आप बहुत सारे कार्टून पोगो और ये कई सारे चैनल देखते हैं जहाँ कार्टून में एनिमेशन कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें अलग अलग पतली, मोटी, भारी, एक ऐसे अजीब सी आवाजें निकालते हैं, तो वो भी डबिंग होती है। उसे आजकल कई यंगस्टर्स कर रहे हैं, जैसे कोई भी आवाज बदल देता, अरे भाई मोटू पतलू की बातें कितनी अच्छी होती हैं, अरे भाई तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते क्योंकि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, और अगर भैया तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ से भाग जाओगे कुछ मालूम नहीं चलेगा, डबिंग क्या होती है वो इस ओवर क्या होता है। तो ये डबिंग होती है। अब मैंने जैसे जैसे आवाजें चेंज की उस पे अलग अलग एनिमेशन वाले कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर लगा दिए जाएंगे, एक कहानी बुन दी जाएगी, ऐसे इसकी भी स्क्रिप्टिंग होती है, फिर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये वीडियो मैं समाप्त करने ही वाला हूं कि डबिंग क्या होती है, वॉइस ओवर क्या होता है, आपको पता चल गया है। और आगे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आने वाली है। देखिए जुबान फिसल गई ना, अब जुबान फिसल जाती है तो वापस से बोल देना अच्छा होता है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए।